हेलो ऑल माय व्यूअर्स, एंड एज यू गाइस नो कि जेई मेन बहुत नज़दीक है और ये अटेम्प्ट हर एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू सीरीज, इनमें मैं कुछ जेई मेन्स के पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा जो अभी तक आए हुए हैं टिल डेट। और इसमें मैं क्वेश्चन पिक करूंगा हर चैप्टर के कुछ 10-20 सवाल, जिसमें मैं विल ट्राई की भाई वो सवाल अच्छे सवाल हो, टफ हो और थोड़े लॉजिकल हो, और लगभग वो सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें कवर हो रहे हो, ताकि आप लोग जब आर्काइव करें तो आपसे बाकी क्वेश्चंस भी हो पाए। ठीक है, तो ऑन दिस बेसिस मैंने हर चैप्टर की कुछ वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है मुझे एक चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में कवर करना पड़े, लेकिन मैं हर चैप्टर को कवर करूंगा, जिससे आप लोगों को थोड़ा फायदा होगा और आप जब आर्काइव करेंगे तो आपसे क्वेश्चन होंगे। एंड जब भी आप इस वीडियो को देखें तो फिर आप पहले क्वेश्चन को देखें, उसको पढ़ें, उसको खुद अप्रोच करें, और अगर ना हो तो फिर आप उस का सॉल्यूशन देखें, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हो जाए सॉल्यूशन को स्किप कर लें। ठीक, तो इस तरह से हम आगे चलते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ लॉन्ग मोशन से। तो लॉन्ग मोशन को मैंने 2 पार्ट्स में बनाऊंगा, एक पार्ट में मैं करूंगा विदाउट फ्रिक्शन और एक पार्ट में फ्रिक्शन के साथ पढ़ाऊंगा। तो 2 पार्ट्स हम कवर करेंगे इसको, और उसमें कुछ जेई मेंस के प्रीव्यू देखेंगे, और तो आप लोग इसे अच्छे से करेंगे तो आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छा जेई मेंस में कर पाएंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें और सारे सवाल अटेम्प्ट करें एक बार, और आगे चलते हैं। तो ये कुछ सवाल हैं जो मैं चैप्टर में करने वाला हूँ, तो इससे मैंने देखेंगे कुछ क्वेश्चन टफ थे जो आ रखे थे और अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनकी मदद से मैं इस चैप्टर को कवर करता हूँ। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है हमसे, द बॉक्सेज ऑफ मास 2 kg, 8 kg आर कनेक्टेड बाई मास्टर स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ पुली। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg टू स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, तो कितनी देर में वो नीचे आ जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे हमको इसमें देखें तो इस अगर मैं टेंशन यहाँ पे कुछ टी मान लूँ तो यहाँ भी टेंशन टी होगी, बिकॉज सेम रस्सी है, और यहाँ पे टेंशन टी होगी, तो इस जगह पे टेंशन अगर देखें तो 2 टी हो जाएगी। तो टेंशन अलग अलग है, तो इन दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन है वो भी अलग अलग होता है, तो इस केस में हमें इन दोनों के एक्सप्रेशन में रिलेशन निकालना पड़ता है। मैं बोलता हूँ एक्सप्रेशन का ए टू है, ऊपर की तरफ मैं A1 मान लेता हूँ, बिकॉज ये नीचे जा रहा है, इसने बोला हुआ है स्ट्राइक करे ग्राउंड को और ये ऊपर जा रहा है, तो मैंने अज्यूम कर लिया। अब एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन मेथड, मेथड एक्चुअली वर्चुअल वर्क डन मेथड, तो वर्क में पता होना चाहिए इज इक्वल टू FS cos θ। तो बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन मैं आई विल ट्राई कि मैं कॉन्सेप्ट कवर कर दूँ। तो ये कहता है कि भाई वर्क डन बाय टेंशन जो है वो 0 होता है सिस्टम पे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो टेंशन का वर्क डन अगर इस पे निकालूं तो T.A लिखते हैं, T.acceleration ब्लॉक्स पे जो लग रहा है वो मिला के जो 0 आएगा सब। तो पहले मैं 2 kg के देखता हूँ, तो 2 kg पे T लग रहा है ऊपर, और मैंने माना कि जा भी रहा है ऊपर, तो उसमें जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तो T A1 cos 0 डिग्री प्लस। अब देखते हैं 8 पे, तो 8 पे 2T ऊपर है और जा रहा है नीचे, तो उसे बनेगा 2T A2 cos π इक्वल टू 0, बिकॉज एंगल फोर्स लग रही है ऊपर जा रहा नीचे। तो कुल मिला के T.A 0 करना है, अगर 2 ब्लॉक हो, 3 ब्लॉक हो, 4, कितने ब्लॉक भी हो, तो इससे निकल के आएगा A1 इक्वल टू 2A2। नाउ अब इक्वेशन में मोशन लगाते हैं, तो मैं सॉल्व करता हूँ उसको इक्वेशन में मोशन लगा के। ओके, नाउ दिस इज 2T, तो इस पे देखते हैं तो नीचे 20 वेट लगेगा, एंड इसकी इक्वेशन बनेगी T -20 इक्वल टू 2। इसको मैंने माना कितना है, A1 माना है, इसे कितना माना, A2 -2A1, इसे क्वेश्चन 1। नाउ बनाते हैं 8 kg पे, तो 8 पे नीचे वेट लगेगा 80, नीचे आ रहा है 80 -2T इक्वल टू 8A2। एंड अगर हम इसको देखें यहाँ पे तो A1 इक्वल टू 2A2 यहाँ पुट कर लेते हैं, तो T -20 इक्वल टू 4A2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोलता है। एंड दिस इज आवर 40 -T 2 कॉमन ले काट देते हैं, 4A2, क्वेश्चन नंबर 2, ये मैंने यहीं से निकाला है। नाउ मैं ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 + 2 कर लेता हूँ, तो ये करते ही 1 T कट जाएगा, दिस इज 20 बच जाएगा, मैं इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ, इक्वल टू 8A2, एंड A2 इक्वल टू निकालें तो इज इक्वल टू 2.5। और A2 एक्सेलरेशन इसी ब्लॉक का है, इसका मुझे निकालना है। अब ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है तो उसका डिस्टेंस अगर देखें तो 20 सेंटीमीटर नीचे आना है इसको, है ना। तो काइनेटिक्स इज इक्वल टू UT + ½ A2 स्क्वायर, ब्लॉक स्टार्ट कर रहा है से, तो U 0 हो गया, एज रखा 20 सेंटीमीटर, तो उसको 0.2 पुट कर सकते हैं, हाफ A निकाल चुके इसका, 2.5 है,
इंटू टी स्क्वायर, सो टी इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 2.5, दिस इज अंडर रूट 4 अपॉन 25, दिस इज 2/5, तो करें तो दिस इज इक्वल टू 0.4 सेकंड, तो 0.4 सेकंड में ब्लॉक नीचे आ चुका होगा, तो ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो किसी भी सवाल में कंस्टेंट के पहले आप टी डॉट ए से जितने ब्लॉक्स भी हो उनका रिलेशन निकालेंगे, देन इक्वेशन में मोशन लगा के उसको सॉल्व करेंगे, तो आई बिलीव क्लियर होगा। तो और भी क्वेश्चन इस पैच आ रखे हैं मेंस में एडवांस दोनों में, उनको ट्राई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये थोड़ा क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाला है, तो इसमें भी बहुत लोग डाउट होता है कि मैं सॉल्व किया इसको। ए स्मॉल बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड यू फ्रॉम ग्राउंड, द बॉल एक्सपीरियंस ए रेजिस्टिव फोर्स एम के स्क्वायर वेयर वी द स्पीड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। मतलब एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया गया और इस पर एक रजिस्टिव फोर्स लग रही नीचे की तरफ एफ कुछ अलग से एम के स्क्वायर, साथ में यहाँ वेट तो है ही है, तो वेट तो नीचे लग ही रहा है एम जी, लेकिन एक फोर्स और है ए रेजिस्टेंस जो कुछ ऐसे वेरी कर रही है, तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो ये कुछ ऊपर जाएगा रुक जाएगा, तो इस पॉइंट तक हमें निकालना है कितना ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पहले तो उस पर नेट फोर्स की बात करते हैं, नेट फोर्स है कितनी। नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी प्लस जो ये वाली फोर्स लग गई रेजिस्टेंस की, तो एम के वी स्क्वायर। अब ये फोर्स क्या करेगी, जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो उसको नीचे की तरफ एक्सलेट करेगी, मतलब रिटार्ड करेगी, तो मैं इसको लिखता हूँ एफ इक्वल टू माइनस एम, बिकॉज उसको रिटार्ड कर रही है वो, एम जी प्लस एम के वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल। नाउ वी कैन पुट, हमें डिस्टेंस निकालना है कितना ऊपर जाएगा और हमको स्पीड पता है, तो हम ए के दो फॉर्मूले होते हैं डी वी बाई डी टी या फिर ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, तो मुझे जो डिस्टेंस और स्पीड चाहिए टाइम चाहिए नहीं, तो मैं ये वाला यूज करूंगा, दिस इज इक्वल टू माइनस या वी डी वी बाई डी एस इक्वल टू जी प्लस के वी स्क्वायर। अब वी डी वी इसको पूरे को नीचे ले आते हैं, जी प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू डी एस इंटीग्रेशन नेगेटिव लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमको एलिनेट करना पड़ेगा इसको, तो लेट टी करते हैं, लेट टी इक्वल टू जी प्लस के वी स्क्वायर, सो डी टी बाई डी वी, जी कॉन्स्टेंट है जीरो प्लस टू के वी, यहाँ से हम इसको एलिनेट कर लेते हैं, तो ये टी हो गया और डी टी बाई डी वी है, तो अगर मैं देखूँ डी वी की वैल्यू तो यहाँ से आएगी डी टी बाई टू के वी, इसको पुट कर लेते हैं डी टी बाई टू के वी, वी से भी कट चल। नाउ इस तरफ ये ऑलरेडी माइनस डी एस है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरफ सॉल्व करूँ तो दिस इज इक्वल टू 1/2k, एंड डी टी बाई टी को देखें रिडिट करें, दिस इज इक्वल टू ये एल एन टी हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा नेगेटिव के साथ डी एस का कुछ, मान लेते हैं कि एक्स ऊपर गया है इंटीग्रेट किया डी एस को तो एक्स आ गया, ये एस बोल दे सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2k एल एन टी की वैल्यू है जी प्लस के वी स्क्वायर। अब जो लिमिट है वी की वो स्टार्टिंग में यू से कुछ जीरो हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पे जाके, यहाँ पे इक्वल टू माइनस एस, माइनस तो हमने वाले ही लिया, तो एस इज इक्वल टू माइनस 1/2k एंड एल एन जी अपॉन जी प्लस के यू स्क्वायर। तो पहले का मैंने यहाँ पर जीरो पुट किया तो हो जाएगा एल एन जी माइनस, फिर ये पुट किया एल एन जी प्लस के वी स्क्वायर, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी लॉग एक्स लॉग वाई, तो ये निकल गया आ गया, और अगर माइनस को एडजस्ट करें तो एस विल बी इक्वल टू 1/2k एल एन जी प्लस के यू स्क्वायर बाई जी, मतलब इतना ऊपर तक जाएगा ये मैक्सिमम, क्योंकि वहां जाके स्पीड जीरो हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन अगर देखें इसका, तो ऑप्शन उसका ये आ जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर उसको डिवाइड कर रखा है, तो दिस इज अंदर, अब अगर ब्रैकेट खोल लें तो ये 1+KU² बाई जी इसका आंसर होगा। सो हमने इस तरीके से पहले फोर्स लिखा, फिर हमने देखा कि क्या यूज करें, डी बाई डी टी यूज करें या वी डी बाई डी एस यूज करें, तो हमें डिस्टेंस निकालना था, हमने डी बाई डी एस यूज किया, और टाइम निकालना होता तो हम डी बाई डी टी यूज करते अकॉर्डिंगली। सो इस तरीके से कुछ नहीं हमने सॉल्व किया, और भी क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, उनमें से कुछ और मैं कराता हूँ, जैसे कि एक सवाल ये और है। अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इसमें एक पार्टिकल है, उसको खुद ट्राई करें पहले फिर सॉल्यूशन देखें। ए पार्टिकल ऑफ मास एम एक्टेड अपॉन बाय फोर्स गिवन बाय एम्पेरियल लॉ, ये कुछ फोर्स गिवन है, दिस इफ दिस लॉ इज टू बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय ऑब्जर्विंग द मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक पे फोर्स लगी और उसको टेस्ट किया गया किसी एक पार्टिकल पे, तो जो प्लॉट है वो किसका बेहतर प्लॉट हो सकता है, बेस्ट पे पूछा इसने। ओके, नाउ वी हैव गिवन विद द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू आर अपॉन
टी स्क्वायर इंटू कुछ वी गिवन है, ये वी फंक्शन है तो वी लिखते हैं इसको। नाउ एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। अब यहाँ ए के बदले में क्या पुट करूं, डी वी बाई डी टी या फिर वी डी वी बाई डी एस। तो भाई यहाँ पे इस ये पुट करने में कोई समझदारी नहीं है, बिकॉज हमको टाइम वगैरह चाहिए तो हमको ये पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पुट करता हूँ एम डी वी बाई डी टी आर बाई टी स्क्वायर डी वी, इसे ये कटोगे कुछ भी नहीं। नाउ डी टी बाई टी स्क्वायर इक्वल टू एम, नहीं ये भी है सर, तो टी की पावर माइनस टू डी टी इक्वल टू एम बाय आर वन बाय वी डी वी। नाउ कर दे इंटीग्रेट, दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाय टी इक्वल टू एम बाय आर एल एन वी, प्लस कुछ ही लगा देते हैं कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इसका देखें कि भाई एल एन वी इक्वल टू, या मैं इस एम बाय आर को, तो पूछा था किसका ग्राफ आप बेस्ट प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो ये कुछ इस, अगर मैं इसको कुछ वाई मान लूं तो एल एन वी को लिखूं मैं माइनस, मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे चेंज करने के लिए, मैं इस एम बाय आर को यहीं छोड़ देता हूँ आर बाय एम, तो ये आर बाय एम यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा ये। तो ये कुछ एल एन वी इक्वल टू माइनस आर बाय एम वन बाय टी माइनस कुछ सी, तो ये कुछ एस फॉर्म का है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का है। तो पूछ रहा है कौन सा ग्राफ बेस्ट प्लॉट कर सकते हैं हम, तो हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं ये वाला बेहतर, बिकॉज ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये एल एन वी और वन बाई टी का ग्राफ ये प्लॉट किया सकता है, बिकॉज वन बाई टी यहाँ पे आ ही रहा है एक्स के बदले और ये वाई है ही है। इसके अलावा कोई ऑप्शन देखें तो वो प्लॉट करना काफी टफ रहेगा, तो बेस्ट वे तो प्लॉट करना तो एल एन वी और वन बाई टी का करना जो भी स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म का है। सो इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं हम ये वाला भी। तो ये भी लगभग क्वेश्चन पिछले जैसा ही था, इन्हें काफी लोग डाउट होता है इसमें, तो फिर इसलिए मैं किया। एक और क्वेश्चन है इंडक्शन वाला, इसको भी कर लेते हैं। तो अब दो क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसको प्लीज ट्राई करें और फिर ही सोल्यूशन इसका देखें। ए पार्टिकल ऑफ मास एम ओरिजिनली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स हुज डायरेक्शन इज कॉन्स्टेंट, एक फोर्स लगा दी गई। ओके नाउ मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है उसको टाइम के साथ, वो गिवन है हमको। द फोर्स एक्ट्स ओनली फॉर द टाइम इंटरवल 2t तक फोर्स लग रहा है, तो वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल का 2t टाइम बाद निकालना। तो पहले जरा फोर्स को एक बार थोड़ा सा देखा जाए, तो फोर्स इक्वल टू ये है एफ नॉट, मैं जरा ब्रैकेट एक बार एक्सपेंड कर लूँ अगर, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी टी अपॉन टी स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ नॉट वन माइनस टी स्क्वायर, कॉमन निकाल देते हैं इससे कट जाएगा, माइनस टू टी बाय टी स्क्वायर और साथ में ये भी आएगा सर माइनस वन प्लस टू टी टी वाई टी स्क्वायर, वन से वन कट जाएगा, एफ नॉट इक्वल टू अपॉन टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, इसके बदले पुट कर लेते हैं एम ए, ए होता है डी बाई डी टी बिकॉज स्पीड चाहिए टाइम पे, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस में टी स्क्वायर बाई टी फोर टी स्क्वायर और प्लस टू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब मैं वोट करता हूँ डी वी को, तो डी वी हो जाएगा एफ नॉट बाई एम टी स्क्वायर एंड दिस इज, ये तो बाहर जा चुका है यहाँ से, सो टी स्क्वायर डी टी नेगेटिव माइनस टू टी टी डी टी प्लस ठीक है, इसको इंडेट करते हैं।
इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम टी स्क्वायर, लिमिट्स पुट करना है वो टू टी पे निकालना है, तो 0 से 2 टी पुट करना है, इसका आ जाएगा टी क्यूब बाय 3 नेगेटिव में 0 से 2 टी प्लस 2 टी इंटू टी स्क्वायर 0 से 2 टी, एंड दिस इज 0 से कुछ भी पहले इस पे जाता वी, तो वी इज इक्वल टू एफ नॉट बाय एम टी स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 8 टी क्यूब बाय 3, 2 से 2 कट गया है, दिस इज इक्वल टू 4 टी क्यूब, इसे पुट करेंगे 4 से 12 एंड 4, तो एफ नॉट बाय एम टी स्क्वायर कैल्सियम लेंगे तो दिस इज 4 बाय 3 टी क्यूब निकल गया आएगा, सब पुट करेंगे एफ नॉट तो इससे कट जाएगा खाली टी बचेगा, एफ नॉट टी 4 बाय 3 एम, दिस इज द वेलोसिटी। तो ऑप्शन अगर देखें इसका तो ऑप्शन का निकल के आएगा सी। तो फिर से ये अप्रोक्सीमेट सेम सवाल था, मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, तो कभी डिस्टेंस के टर्म में कभी टाइम के टर्म में, तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन दे रखा है उसको मैं पुट करना है फिर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन तो आनी चाहिए बिकॉज इंटीग्रेशन इज मस्ट। तो ये भी सवाल बिल्कुल वैसे था। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो अब इसको हम अप्रोच करते हैं इसे कैसे करेंगे। अच्छा तो क्या कर सकते, काफी अच्छा क्वेश्चन है मीन्स के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं हमसे, 3 मासेस दिस दिस एंड दिस आर अरेंज इन सिस्टम, ऑल सर्फेसिस आर फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग आर इनएक्सटेंसिबल वेटलेस, द पुली आर ऑल्सो वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन सिस्टम सो दैट मास एम टू मूव अपवर्ड विद, इतना तो फोर्स लगाया और मास जो एम टू है ऊपर जा रहा है, ठीक है मतलब आगे तो जा ही रहा है, ये एक्चुअली ये मेंशन नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू वेज ऊपर जा रहा है ना, तो वेज के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है टू से, और सिस्टम सिस्टम तो आगे जा ही रहा होगा मतलब, लेकिन ये साथ में ऊपर भी जा रहा है कुछ, तो ये पीछे जा रहा होगा कुल मिला के। तो मैं ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जब आप वेज को खींचे धकेलेंगे तो भाई इस पे कुछ सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ, जिसकी वजह से ये पीछे भागेगा और ये ऊपर भागेगा, और ये भी पीछे कुछ जाएगा, ये भी टू से जाएगा वेज के रिस्पेक्ट में, नीचे वाले वेज के रिस्पेक्ट में। ओके हमको फोर्स निकालना है कि ऐसी फोर्स क्या हो कि ऐसा हो जाए। ओके तो पहले तो मैं इस उसको देखता हूँ ब्लॉक को, तो ब्लॉक पे ऊपर लग रही है एक टेंशन है ना, और नीचे लग रही है ब्लॉक पे एक हमारे पास फोर्स, इसका वेट 200, तो अगर मैं इस पे देखूं तो उसको बनेगा इक्वेशन टी माइनस, ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस 200 इक्वल टू 20 है, तो टी क्यूब निकालें अगर ए पता है हमको 2, तो ये निकल गया 240 न्यूटन। ओके तो अब मैं देखता हूँ इस 10 kg को, तो टी तो निकाल लिया हमने है ना, तो अब देखते हैं कि भाई जो 10 kg है वो भी पीछे आ रहा है 2 से, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg है विद रिस्पेक्ट टू वेज वो एक तरह से -2 है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पीछे आ रहा होगा। अब जो इसका मतलब होगा a10 - aw इक्वल टू -2 रिलेटिव में है ना, अब देखना होगा कि a10 ये नहीं बताऊंगा कितना, 10 का नेट नेट कितना एक्सेलरेशन है, ये नेट है इसका है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा है, ग्राउंड से देखने में नेट कितना है 10 का, तो अब 10 kg को देखते हैं, तो 10 kg पे ग्राउंड के हिसाब से एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ, टेंशन खाली टी लगेगी सर है ना, तो ये कुछ नेट तो भाई आगे जा रहा होगा बेशक साथ में इसके पीछे जाएगा वेज के हिसाब से, लेकिन नेट तो ही आगे जा रहा होगा बिकॉज वेज आगे चल रहा है, तो अब वेज के रिस्पेक्ट में थोड़ा पीछे जा रहा होगा मतलब उसकी पोजिशन बदल जाएगी थोड़ी सी। तो अब मैं देखता हूँ इस 10 को, तो 10 पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सिर्फ टी लग रहा है, नाउ दिस टी इक्वल टू इसको मैं ए बोल देता हूँ, तो दिस टी इक्वल टू 10 इंटू ए, और के फोर्स ही नहीं है, टी पता है आपको 240 इक्वल टू 10 ए, ये निकल के आएगा आपके पास 24, ये उस 10 का एक्चुअल एक्सेलरेशन है ग्राउंड के हिसाब से जो ये दे रखा है हमको, तो 24 है
-2, तो अगर देखें इसको, जैसे ए ऑफ वेज जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 26, तो वेज का 26 है ना, तो मतलब वेज जो मूव कर रहा है वो 26 से मूव कर रहा है, और जो 10 है मूव कर रहा है 24 से, क्योंकि मतलब समझ सकते हैं कि भाई वेज जा रहा है 26 से और ये जा रहा है नेट 24 से जा रहा है, बिकॉज ये दो पीछे भी जा रहा है तो नेट कम हो जाएगा इसका ऑब्वियसली 2 से। ओके, तो नाउ ये हमारे पास निकल के आया। अब हम हमें निकालना है कि फोर्स कितनी है, तो अब वेज की बात कर लेते हैं, वेज कैलकुलेशन निकाल चुके हैं। तो वेज के एफबीडी में एक तो ये पुली भी ड्रॉ होगा, बिकॉज पुली हमेशा वेज का पार्ट होता है, पुली से जुड़ा हुआ है, तो पुली पे एक टेंशन पीछे लगेगी टी, एक यहाँ लगेगी टी, और साथ में एक फोर्स लग रही है, और जब ये आगे जाएगा तो ये ब्लॉक भी चिपक गया होगा इससे, है ना, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है, तो ये इसका देखें तो इस स्टिक हो गया होगा, तो ये भी इसको एक इस तरफ नॉर्मल भी देगा, तो उसका एफबीडी देखें तो पुट करें तो निकल जाएगा एफ माइनस टी माइनस एन पीछे की तरफ, टी और एन इक्वल टू इसका मास जितना भी है 100 पॉइंट टू, एक्सलेशन ऑफ वेज तो निकाल लिया आपने 26, तो एफ माइनस दिस इज 240 माइनस एन कितना है, एन निकालना होगा, एन कितना है, तो एन के लिए फिर से हमको 20 kg बनाना पड़ेगा, तो 20 kg तो ऊपर जा ही रहा है, लेकिन ये वेज के साथ साथ चल के आगे भी जा रहा है, तो अगर इस तरफ इसका एक्सप्रेशन देखें तो ऊपर की तरफ एक तो आप खुद का इसका अपना जो आपको 2 गिवन है, साथ में वेज के आगे भी जा रहा है किससे, 26 से, इस एक्सप्रेशन से, तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं पुट करूंगा इस पर सिर्फ एक ही फोर्स आगे की तरफ, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए जो वेज के हिसाब से जा रहा है, तो 2 × 26 2 × 20 सॉरी निकल गया 520, तो नॉर्मल की वैल्यू जो लग रही है इस पे वो 520 लग रही है, बिकॉज ये कुछ इसका मोशन कुछ ऊपर भी है कुछ आगे भी है, आगे का एक्सलेशन है उसका वेज के बराबर ही होगा, तो दिस इज 520 इक्वल टू 100 × ए ऑफ वेज, फिर 26 है, एफ इक्वल टू दिस इज 240 प्लस 520 प्लस 2600, जब इन सबको हम सॉल्व करेंगे दिस इज इक्वल टू 2600 प्लस 760 एंड दिस इज इक्वल टू 3360, तो ऑप्शन है देखें इसका तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो रिलेटिव मोशन है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करें इसको और थोड़ा अपने ब्रेन को यूज भी करें तो आपको अच्छे समझ में आएगा यार रिलेटिव मोशन का, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है मीन्स के हिसाब से। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और है, ये भी थोड़ा सा वैसे इसमें इंटेंशन नहीं घुसी हुई है बहुत ज्यादा, तो अब इसको भी देख लेते हैं, तो इस तरह से इंटेंशन के सारे टर्म्स वाला हमने इसमें कर लिए कर लेंगे होता है, तो कह रहा है कि ये एक बॉल है, इसको हमने ऊपर थ्रो किया स्पीड वी नॉट से, द मोशन ऑफ द बॉल इज इफेक्टेड बाय, ये फिर से ड्रैग फोर्स लग रही है एम गामा स्क्वायर, वी वेलोसिटी है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज इट्स जेनिथ, मतलब वो मैक्सिमम हाइट कितनी देर में पहुंच जाएगा, इसका मतलब होता है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, अभी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया ऊपर की तरफ, इसमें बस ऐसे ही कुछ था, बस वहां पर से हाइट निकाल लेती मैक्सिमम, पहले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था वो एम के स्क्वायर था, बस वो हाइट निकाल लेती, यहाँ पर इसने बोला हमको टाइम निकाला, ठीक है, तो फिर से वही करते हैं, भाई फोर्स लिखते हैं इस बॉल पे नीचे की तरफ, तो एम जी है ही है, साथ में एक ये भी लग रहा है एम गामा स्क्वायर, तो पुट कर लेते हैं एम जी प्लस एम गामा वी स्क्वायर, एम के बदले पुट करते हैं एम ए डी वाई डी टी, बिकॉज इस बार टाइम निकालना है, तो आप देख सकते हैं कि भाई एक क्वेश्चन किया आपने तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइनस कर सकते हैं बिकॉज स्पीड कम हो रही होगी इसकी, सो डी वी इक्वल टू फिर से वही फंक्शन निकल के आ रहा है जी प्लस गामा वी स्क्वायर इक्वल टू -3t, इसे किया जाए इंटीग्रेट, सो दिस इज इक्वल टू, और इसको देखें तो ये तो फिर अच्छा यहाँ से मैं काम कर सकते हैं निकालने के लिए, मैं यहाँ से ये काम करता हूँ आर कॉमन निकाल लेता हूँ, सो डी वी ये हो जाएगा जी बाय आर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू -3t, अब आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ फंक्शन ऐसा है डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की रिलेशन होती है 1/a tan inverse x/a, तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे ए के बदले आ रहा है जी बाय आर रूट में, है ना, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 1/r और 1/a की वैल्यू अंडर रूट जी बाय आर 10 इनवर्स x/a, है ना,
एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स खुद वी है, तो वी बाय अंडर रूट जी बाय आर। और लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट होगी आपके पास वी से लेकर जीरो है ना, तो वी से लेकर जीरो माइनस कुछ ये डी टी आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट जी आर, दिस इज 0 माइनस और 10 इनवर्स अंडर रूट आर जी इंटू वी नॉट इक्वल टू माइनस टी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा एंड टी विल बी इक्वल टू 1 बाय रूट जी आर 10 इनवर्स गामा बाय जी इंटू वी नॉट। ऑप्शन अगर देखें इसका तो ऑप्शन विल बी इक्वल टू आई थिंक ए, उसका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो सेम सवाल था, इंटेशन किया आंसर निकाला, और कुछ ज्यादा परेशानी आपको इसमें होनी चाहिए, बस हाँ ये जरूर है कि आपको इंटेशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, अगर इंटेशन ही क्लियर नहीं है तो इन सवालों करने में आपको काफी दिक्कत आने वाली है। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ टफ सवाल है, अगर इजी की बात करेंगे तो बहुत ईजी है, तो अगर इनको करके बैठेंगे आप तो वो छोटे मोटे इंटेशन छोटे मोटे पुली वाले सवाल वो आप आसानी से कर पाएंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चुना है। अच्छा ये कॉल इसको देखते हैं, ये कह रहा है हमसे कि भाई एक यूनिफॉर्म मेटल चेन है, का मास दे रखा आपको एम, लेंथ इसकी एल है ना, और हमें क्या करना है, हमें इसमें ये पास कर रहा है एक पुली के ऊपर से, और इट इज रिलीज फ्रॉम फ्रिक्शनलेस पुली रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद ए पार्ट ऑफ इट्स लेंथ एल इज हैंगिंग ऑन वन साइड, तो एक तरफ एल है दूसरी तरफ एल माइनस एल है, ऑन अदर साइड एट द सर्टेन इन पॉइंट व्हेन आई इज इक्वल टू कुछ एल वाई एक्स, एल मतलब ये एल है सॉरी, द एक्सलेशन कितना होगा, तो जब ये लेंथ जो इस तरफ है ये वाली एल वाई कुछ एक्स है तो एक्सलेशन जी वाई टू है, तो हमको फिर से फाइंड करना है। तो पहले तो देखते हैं कि भाई दोनों तरफ का मास निकालना पड़ेगा, तो अगर एल लेंथ है टोटल और एल लेंथ का मास एम है, एम के जी है, तो 1 मीटर लेंथ का मास कितना होगा, एम बाय एल के जी होगा, और एल मीटर कितना होगा, एम बाय एल इन टू एल के जी होगा। ऐसे ही अगर मैं इसी से एल माइनस एक्स का देखूं, एल माइनस एक्स लेंथ का कितना होगा, एम बाय एल इन टू एल माइनस एक्स होगा के जी, तो मैंने दोनों तरफ का मास निकाल लिया एक तरीके से। तो अब ये सवाल ये है कि भाई एक तरफ एक लगा हुआ है खुली का मास को, इसको बोल दो आप एम वन, इसको आप बोल दो एम टू, तो एक तरफ लगा हुआ एम वन और एक तरफ लगा हुआ एम टू, और ये एक्सलेट कर रहा है, तो इस केस में अगर उसका देखें कि क्या होना चाहिए एक्सलेशन, तो आप इसे कर सकते हैं भाई एम टू जी ऊपर लग रहा है टी, इस पर लग रहा है टी, इस पर क्या लग रहा है एम वन जी, तो ये नीचे जाता है ये ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं एम टू जी माइनस टी इक्वल टू एम टू ए, एंड ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस एम वन जी इक्वल टू एम वन ए, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो एम टू माइनस एम वन जी इक्वल टू एम वन प्लस एम टू इन टू। अच्छा इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि आप सिर्फ देखो टेंशन को लो ही मत, जो फोर्स खींच रही है इधर एम टू जी, जो रोक रही है इसको रोक, भाई नीचे जब खींचेगा तो ये रोकेगी पीछे से इस ब्लॉक को, ये खींचेगा ये रोकेगा, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स अप इक्वल टू नेट मास इन टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। अभी आगे क्वेश्चंस और भी उसमें हम अप्लाई करेंगे इसको, दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स तो एफ वन माइनस एफ टू अपॉन नेट मास इक्वल टू ए होता है, तो उसे पुट कर लेते हैं एम टू माइनस एम वन, एम टू हमारे पास कितना है एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी माइनस एम बाय एल इंटू एक्स जी इक्वल टू नेट मास, दोनों को जब ऐड करेंगे एम वन एम टू को तो होता है एम ही आएगा, एम ए, तो एम से एम ये कट गया एंड दिस इज इक्वल टू जी बाय एल कॉमन निकाल लेते हैं तो एल माइनस एक्स इक्वल टू एक्स नहीं एक्चुअली एल है ये एल, क्योंकि एल माइनस रखी तो दिस इज एल एल इक्वल टू ए, ए दे रखा आपके पास जी बाय टू, तो जी से जी भी कट गया, एल माइनस टू एल इक्वल टू एल वाई टू, सो टू एल इक्वल टू फोर एल इक्वल टू एल,
ना, या फिर सिंपल ही कर सकते हैं कि एल बाय टू इक्वल टू 12 एंड इक्वल टू एल बाय टू, मतलब ये तब होगा जब 1/4 मास इस तरफ लाई कर रहा होगा। तो अगर आंसर देखें तो एक्स पूछा है इसने, तो 1/4 निकल गया है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। सो सेम भी सिंपल सवाल है, तो कुछ भी नहीं है इसमें कंसेप्ट, तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर हो। तो इसी नोट पे आगे चलते हैं और देखते हैं आगे के सवाल। तो फिर एक सवाल और निकल के आता है, वो ये हमारे पास। इसमें क्या रहा है कि भाई एक ये ब्लॉक है जो मास एम का 2 kg मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और हमको इसमें निकालना है कि भाई स्पीड शुरुआत में 4 है इसकी, एंटर्स कर रहा है रफ सरफेस पे, हैंग कर रहा है वो रेंजिंग फ्रॉम इतना, मतलब सरफेस रफ है, एक्स इक्वल टू 0.5 से लेकर एक्स इक्वल टू 1.5 तक रफ सरफेस है, जिसपे एक रजिस्टिव फोर्स लग रही है रिटार्डिंग फोर्स एफ इक्वल टू -kx, और जो शुरुआत में उसकी स्पीड है वो यहाँ पे 4 है, तो स्पीड निकालने जब वो उसको पास कर लेगा है ना, तो एक तरह से स्प्रिंग फोर्स होती है यहाँ पर, उस पर स्प्रिंग लग रही है जो उसके मोशन को अपोज कर रही है पीछे की तरफ फोर्स लगा दे। ओके, तो हमको स्पीड निकालनी जब यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसको करने तरीके बहुत है, या तो हम स्प्रिंग पता है स्प्रिंग फोर्स के ऐसा है, तो या फिर एनर्जी कंजर्व कर लें सीधा उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसमें भाई फोर्स दे रखे तो उसको इंटीग्रेट ही कर लें। हमें पता है कि भाई एफ इक्वल टू -kx है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रखा माइनस अपोज कर रहा है, और ए इक्वल टू होता है वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू -kx। नाउ वी डी वी इक्वल टू वैल्यू पुट करें तो मैं ये पता है 12, मास पता है 2 इंटू एक्स डी एक्स, कर डालते हैं इंटीग्रेट, तो दिस इज वी स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स होगी इसकी 4 से कुछ वी तक -6 और इसका हो जाएगा फिर से एक्स स्क्वायर, एक्स की लिमिट क्या है 0.5 से लेकर 1.5 तक, सो वी स्क्वायर -16 बाय 2 क्या सही किया हमने, चेक कर लेते हैं एक बार इसको। के की वैल्यू की 12, मास 2 ये कट गया, मास को नीचे ले गए थे ना, तो ये 6 बच गया, वी स्क्वायर बाय 2 ये एक्स स्क्वायर बाय 2 यहाँ भी तो आएगा, तो इससे 2 से ये कट गया, इसे काट देता है, दिस इज इक्वल टू माइनस में एक्स का स्क्वायर तो 2.25 -0.5 का स्क्वायर तो 0.25, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर -16 इक्वल टू -6 इंटू 2 इक्वल टू -12 वी स्क्वायर -16 एंड वी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड वी इक्वल टू 2, तो वहां जब पहुंचेगा तो 2 m/s जब पहुंचेगा, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। अब चाहे तो इसको आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि यू लिखे इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, तो इससे भी इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, यू पता होता है और बस हाफ के एक्स पर होता है, तो आप इससे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इससे भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो ये भी एक सवाल था इंटीग्रेशन का, तो काफी सवाल इंटीग्रेशन के आते हैं मैंने चुना। देखो अब ये क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन मोमेंटम के ऊपर है, तो उसको भी हमने काफी मुश्किल नहीं आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन हमें भी एक चुनना था बिकॉज ये आते हैं क्वेश्चन ये भी, तो उसको भी कर लेते हैं। तो ये कह रहा है हमसे कि भाई एवरेज फोर्स ऑफ कितना न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट्स ईच ऑफ मास 10 kg एट ए स्पीड इतना, तो जो एक मशीन गन है कुछ वो कुछ बुलेट फायर कर रही है मास के इतना फोर्स इतना स्पीड से एवरेज फोर्स लगा रही है इतनी, तो नंबर ऑफ बुलेट कितनी फायर कर रही होगी पर सेकेंड। अब जो फोर्स होती है इट इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होती है, और वो कितनी बुलेट फायर कर रहा है इक्वल टू एन लिख देते हैं, जो वो बुलेट पे लगा रहा होगा जितना मोमेंटम चेंज कर रहा है उसका, तो मोमेंटम चेंज अगर बात करूँ तो मोमेंटम भाई शुरुआत में था उन लोगों का 0, और मोमेंटम फाइन में जो बाद में है इट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं उसे कि भाई वो एम इंटू कुछ बी हो गया, तो मोमेंटम चेंज अगर देखें हम ऑर्डर का एन बाई कुछ डी टी बोल सकते हैं, मोमेंटम चेंज को आप एम बी बोल सकते हैं जो चेंज हुआ, बिकॉज बुलेट पहले रेस्ट पे थी बाद में मूव करेगी स्पीड से, और ये फोर्स है, तो फोर्स जितने लगा रहा है 125 है, और ये आपको निकालना है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड वही ये देगा, तो वो एन ही बोल देते हैं इसको, एम इंटू बी करें, मास पता है आपको 10 g है 0.01, वेलोसिटी पता है 250, तो 125 इक्वल टू एन इंटू ये निकल के आएगा 2
2.5 से करेंगे अगर, तो निकल गया 50, मतलब 50 बुलेट पर सेकंड जो है वो फायर कर रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि इसमें आपको मोमेंटम ऑब्जर्व करना पड़ता है, या फिर आपको इसको सॉल्व करते हैं इस तरह के सवाल कि भाई एफ इक्वल टू dp/dt, तो dy/dt इसके वाले पुट कर सकते हैं m into v, और अगर तो इस तरह क्वेश्चंस भी हैं जो मिलेंगे आपको इन फॉर्मुलोस पे, तो उनका आप इधर खुद ट्राई कर सकते हैं। तो काफी क्वेश्चन है इस पे जो आ चुके हैं, तो इसको हमने सॉल्व किया। नाउ एक क्वेश्चन और बचा, इसको भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सिस्टम ऑफ 10 बॉल्स ईच ऑफ मास 2 kg आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग, सिस्टम इज अलाउड टू स्लिप over the edge of a smooth table as shown, the tension on the string between 7th and 8th ball is इतना। तो 7वीं 8वीं बॉल में कितना टेंशन होगा जब 6ठी बॉल निकल रही होगी, मतलब डायग्राम में देखें तो 6 बॉल नीचे है, 4 5 6 और ये कुछ 4 बचे होंगे, तो 7 8 9 10। तो इसको मैं देखूं तो ये कुछ ऐसा सवाल है एक्सप्रेशन निकालने की, भाई ऊपर मास कितना, हर बॉल का मास 2 kg है, तो ऊपर देखे तो ऊपर 8 kg का मास रखा हुआ है ना, और अगर मैं इसको नीचे देखूं, नीचे कितने kg का मास है, 2 का 1 है, तो ये 6 बॉल है, तो 12 kg का यहाँ रखा हुआ है ना। तो इस पर अगर मैं इस पर एक्सप्रेशन निकालू, मुझे टेंशन कहाँ निकालनी है, 7वें 8वें, मतलब यहाँ टेंशन निकालनी है, तो पहले मैं इनका एक्सप्रेशन निकालता हूँ कि भाई कितने एक्सप्रेशन से मूव कर रहा होगा इस समय। तो इस पर नीचे की तरफ फोर्स है 120, ऊपर लग रहा है टी, आगे लगेगा टी, पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये नीचे जा रहा है ए से, ये जा रहा है आगे ए से, तो अगर इक्वेशन लिखे 12 पे, तो 12 पे बनेगा 120 - t = 12 है, इस पर कुछ पीछे फोर्स ही नहीं है, खाली टी लग रहा है, तो t = 8 है। अगर दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो 120 = 20 है, a = आना चाहिए 6, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं मेरे इस समय। ओके नाउ मुझे अब निकालना है कि भाई इस समय इनका कितना जो है टेंशन यहाँ पे कितना होगा। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इन तीनों को ही, जो आपको 3 बॉल दिख रही है, मैं इन तीनों को एक साथ सिस्टम मान लेता हूँ, इन तीनों मिला कर, ठीक, तो मैं इन तीनों मान लूँ तो ये कुल मिला के 6 kg की बॉल है ना, और यहाँ पे इन सब पे एक टेंशन लग रहा है आगे की तरफ, ठीक है, और ये सब भी ए से जा रहे होंगे, और कोई इन तीनों सिस्टम मान लेंगे तो इन पे और कोई फोर्स लगेगी नहीं, बिकॉज पीछे कुछ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो मैं सिंपल लिखता हूँ t = 6 into a, तो पुट करेंगे ए की वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू 36 न्यूटन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये भी सवाल कुछ ज्यादा मुश्किल ये था नहीं, आसान सवाल है ये भी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इवन आप जो एक्सप्लेनेशन है इसका, ये आप निकाला, ये आप यहाँ भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, कैसे, आप इसको बोल सकते हैं भाई कि इस डायग्राम में, इसी डायग्राम में अगर मैं बताऊं आपको पिछले वाले की तरह, कि भाई इस पे नीचे की तरफ 120 लग रही है पुलिंग फोर्स, टेंशन हमेशा इंटरनल होती है, वो एक्सलेट नहीं करती यहाँ पे, और पीछे कुछ इस पे है नहीं फोर्स, और जैसे एक क्वेश्चन और था पीछे, अगर बताऊं मैं आपको, तो एक क्वेश्चन था तो, हाँ इसमें मैंने बोला कि आप इसमें चाहो तो डायरेक्टली लिख लो इसको, टी लिखो ही मत, खाली m2g लिखो -m1g लिखो इक्वल टू नेट मास इनटू ए कर लो, है ना। आप सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस सवाल में, कि भाई इसमें आप चाहो तो सीधा लिखो, अब यहाँ पे इसका वेट किसी काम का नहीं है, बिकॉज इसका वेट यहाँ लग रहा है, तो ये तो मोशन को ना सपोर्ट कर रहा है ना मोशन का पोज कर रहा है, और पीछे कोई फोर्स है नहीं, तो खाली एक ही फोर्स जो खींच रही है, तो 120 लग रही है, पीछे कुछ भी नहीं है, इक्वल टू नेट मास इनटू ए, तब भी निकालेंगे तो 6 ही निकल गया है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से हमने कुछ सवाल देखे, और मैंने इसमें इतने ही सवाल